जय श्री कृष्ण, जय श्री राधा रानी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आप सभी को श्री राधा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। राधा रानी आप सभी भक्तों के दुखों को दूर करें और आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। दोस्तों, आज मैं आपको श्री राधा अष्टमी व्रत की कथा सुना रहा हूँ। सनातन धर्म में भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि श्री राधा अष्टमी के नाम से प्रसिद्ध है। शास्त्रों में इस तिथि को श्री राधा जी का प्राकट्य दिवस मनाया जाता है। श्री राधा रानी जी व्रजवानों की यज्ञ भूमि से प्रकट हुई थीं। वेद तथा पुराण आदि में जिनका कृष्ण वल्लभा कहकर गुणगान किया जाता है, वे श्री वृंदावनेश्वरी राधा सदा श्री कृष्ण को आनंद प्रदान करने वाली साध्वी कृष्ण प्रिया थी। कुछ महानुभाव श्री राधा जी का प्राकट्य श्री वृषभानुपरी वर्षाना या उनके ननिहाल रावल ग्राम में प्रातःकाल को मनाते हैं। कल्प वेद से यह मान्य है, पर पुराणों में मध्या का वर्णन ही प्राप्त होता है। शास्त्रों में श्री राधा कृष्ण की शाश्वत शक्ति स्वरूपा एवं प्राणों की अधिष्ठात्री देवी के रूप में वर्णित हैं। अतः राधा जी की पूजा के बिना श्री कृष्ण की पूजा अधूरी मानी जाती है। श्रीमद् देवी भागवत में श्री नारायण ने नारद जी के प्रति श्री राधाए स्वाहा षडाक्षर मंत्र की अति प्राचीन परंपरा तथा विलक्षण महिमा के वर्णन प्रसंग में श्री राधा पूजा की अनिवार्यता का निरूपण करते हुए कहा है कि श्री राधा की पूजा ना की जाए तो मनुष्य श्री कृष्ण की पूजा का अधिकार नहीं रखता। अतः समस्त वैष्णवों को चाहिए कि वे भगवती श्री राधा की अर्चना अवश्य करें। श्री राधा भगवान श्री कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठात्री देवी हैं, इसलिए भगवान इनके अधीन रहते हैं। यह संपूर्ण कामनाओं का राधन साधन करती हैं, इसी कारण इन्हें श्री राधा कहा जाता है। श्री कृष्ण भक्ति के अवतार देवर्षि नारद ने एक बार भगवान सदाशिव के श्री चरणों में प्रणाम करके पूछा, हे महाभाग, मैं आपका दास हूँ, बतलाइए श्री राधा देवी लक्ष्मी हैं या देव पत्नी, महालक्ष्मी हैं या सरस्वती हैं, क्या वे अतरंग विद्या हैं या वैष्णवी प्रकृति हैं, कहिए वे वेद कन्या हैं, देव कन्या हैं अथवा मनु कन्या हैं। सदा से बोले, हे मुनीश्वर, अन्य किसी लक्ष्मी की बात क्या कहें, कोटि कोटि महालक्ष्मी उनके चरण कमल की शोभा के सामने तुच्छ कही जाती हैं। हे नारद जी, एक मुंह से मैं अधिक क्या कहूँ, मैं तो श्री राधा के रूप लावण्य और गुण आदि का वर्णन करने में अपने को असमर्थ पाता हूँ। उनके रूप आदि की महिमा कहने में भी लज्जित हो रहा हूँ। तीनों लोकों में कोई भी ऐसा समर्थ नहीं है जो उनके रूप आदि का वर्णन करके पार पा सके। उनके रूप माधुरी जगत को मोहने वाले श्री कृष्ण को भी मोहित करने वाली है। यदि अनंत मुख से चाहूं तो भी उनका वर्णन करने की मुझमें क्षमता नहीं है। नारद जी बोले, हे प्रभु, श्री राधिका जी के जन्म का महत्तम सब प्रकार से श्रेष्ठ है। हे भक्त वत्सल, उसको मैं सुनना चाहता हूँ। हे महाभाग, सब व्रतों में श्रेष्ठ व्रत श्री राधा अष्टमी के विषय में मुझको सुनाइए। श्री राधा जी का ध्यान कैसे किया जाता है, उनकी पूजा अथवा स्तुति किस प्रकार होती है, यह सब मुझसे कहिए। हे सदाशिव, उनकी चर्या पूजा विधान तथा अर्चना विशेष सब कुछ मैं सुनना चाहता हूँ, आप बतलाने की कृपा करें। शिव जी बोले, बृषभानुपुरी के राजा बृषभानु महान उदार थे। वे महान कुल में उत्पन्न हुए तथा सब शास्त्रों के ज्ञाता थे। अणिमा महिमा आदि आठों प्रकार की सिद्धियों से युक्त श्रीमान धनी और उदार चेता थे। वे संयमी कुलीन सदाचार से युक्त तथा श्री कृष्ण के आराधक थे। उनकी भार्या श्रीमती श्री कीर्तिता थी। वे रूप यौवन से संपन्न थी और महान राजकुल में उत्पन्न हुई थी। महालक्ष्मी के समान भव्य रूप वाली और परम सुंदर थी। वे सर्व विद्याओं और गुणों से युक्त कृष्ण स्वरूपा तथा महापतिव्रता थी।
उनके ही घर में सौदा भाद्रपद की शुक्लाष्टमी को मध्याकाल में श्री वृंदावनेश्वरी श्री राधिका जी प्रकट हुई। हे माँ बाग, अब मुझसे श्री राधा जन्म महोत्सव में जो भजन पूजन अनुष्ठान आदि कर्तव्य हैं उन्हें सुनिए। सदा श्री राधा जन्माष्टमी के दिन व्रत रखकर उनकी पूजा करनी चाहिए। श्री राधा कृष्ण के मंदिर में ध्वजा पुष्प माल्य वस्त्र पताका तोरण आदि नाना प्रकार के मंगल द्रव्यों से यथाविधि पूजा करनी चाहिए। स्तुति पूर्वक सुवासित गंध पुष्प धूप आदि से सुगंधित करके उस मंदिर के बीच में 5 रंग के चूर्ण से मंडप बनाकर उसके भीतर 67 दल के आकार का कमल यंत्र बनाएं। उस कमल के मध्य में दिव्यासन पर श्री राधा कृष्ण की युगल मूर्ति पश्चिमा मुख स्थापित करके ध्यान पाद अर्ध आदि से क्रम पूर्वक भली भांति उपासना करके भक्तों के साथ अपनी शक्ति के अनुसार पूजा की सामग्री लेकर भक्ति पूर्वक सदा संयत चित होकर उनकी पूजा करें। जिनकी स्वर्ण और नील कमल के समान अति सुंदर कांति है, जो जगत को मोहित करने वाली श्री से संपन्न है, नित्य ललिता आदि सखियों से परिवृत हैं, सुंदर नील और पीत वस्त्र धारण किए हुए हैं तथा जिनकी नाना प्रकार के आभूषणों से आभूषित अंगों की कांति अति मधुर है, उन अवयव सुललित युगल किशोर रूप श्री राधा कृष्ण के हम नित्य शरणापन्न हैं। इस प्रकार युगल मूर्ति का ध्यान करके शालग्राम में अथवा मूर्ति में उन्हें सम्यक रूप से अर्चना करें। भगवान को निवेदित किए गए गंध पुष्प माल तथा चंदन आदि से समागत कृष्ण भक्तों की आराधना करें। श्री राधा जी की भक्ति में दंत चित होकर उनके लिए प्रस्तुत नैवेद्य गंध पुष्प माल्य तथा चंदन आदि के द्वारा दिन में महोत्सव करें। पूजा करके दिन के अंत में भक्तों के साथ आनंद पूर्वक चरणों तक लेकर महाप्रसाद ग्रहण करें। फिर श्री राधा कृष्ण का स्मरण करते हुए रात में जागरण करें। चांदी और सोने की सुसंस्कृत मूर्ति रखकर उसकी पूजा करें। दूसरी कोई वार्ता न करते हुए नारी तथा बंधु बांधवों के साथ प्राण आदि से प्रयत्न पूर्वक इष्ट देवता श्री राधा कृष्ण के कथा कीर्तन का श्रवण करें। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक श्री राधा जन्माष्टमी का यह शुभानुष्ठान करता है उसके विषय में सब देवतागण कहते हैं कि यही मनुष्य भूतल में राधा भक्त हैं। इस अष्टमी को दिन रात एक एक पहर पर विधि पूर्वक श्री राधा माधव की पूजा करें। श्री राधा कृष्ण में अनुरक्त रसिक जनों के साथ आलाप करते हुए बारंबार श्री राधा कृष्ण को याद करें। इस प्रकार महोत्सव करके परम आनंदित होकर अंत में विधि पूर्वक साष्टांग प्रणाम करें। जो पुरुष अथवा नारी राधा भक्ति परायण होकर श्री राधा जन्म महोत्सव करता है वह श्री राधा कृष्ण के सान्निध्य में श्री वृंदावन में वास करता है। वह राधा भक्ति परायण होकर ब्रजवासी बनता है। श्री राधा जन्म महोत्सव का गुण कीर्तन करने से मनुष्य भव बंधन से मुक्त हो जाता है। राधा नाम की तथा राधा जन्माष्टमी व्रत की महिमा जो मनुष्य राधा राधा कहता है तथा स्मरण करता है वह सब तीर्थों के संस्कार से युक्त होकर सब प्रकार की विद्याओं में कुशल बनता है। जो राधा राधा कहता है राधा राधा कहकर पूजा करता है राधा राधा में जिसकी निष्ठा है वह महाभाग श्री वृंदावन में श्री राधा का सहचर होता है। इस विश्व ब्रह्मांड में यह पृथ्वी धन्य है। पृथ्वी पर वृंदावन पूरी धन्य है। वृंदावन में सती श्री राधा जी धन्य हैं जिनका ध्यान बड़े बड़े मुनीश्वर करते हैं जो ब्रह्मा आदि देवताओं की परम आराध्य हैं जिनकी सेवा देवता करते रहते हैं उन श्री राधिका जी को जो भजता है मैं उसको भजता हूँ। हे महाभाग उनके उत्तम मंत्र का जप करो और रात दिन राधा राधा बोलते हुए नाम कीर्तन करो। जो मनुष्य कृष्ण के साथ राधा का राधे कृष्ण नाम कीर्तन करता है उसके महत्व का वर्णन मैं नहीं कर सकता और ना उसका पार पा सकता हूँ।
राधा नाम स्मरण कदापि निष्फल नहीं जाता, यह सब तीर्थों का फल प्रदान करता है। श्री राधा जी सर्व तीर्थमयी हैं तथा ऐश्वर्यमयी हैं। श्री राधा भक्त के घर से कभी लक्ष्मी विमुख नहीं होती। हे नारद, उसके घर श्री राधा जी के साथ श्री कृष्ण वास करते हैं। श्री राधा कृष्ण जिनके इष्ट देवता हैं उनके लिए यह श्रेष्ठ व्रत है। उनके घर में श्री हरि देह से मन से कदापि पृथक नहीं होते। यह सब सुनकर मुनि श्रेष्ठ नारद जी ने प्रणत होकर यथोक्त रीति से श्री राधाष्टमी में यजन पूजन किया। जो मनुष्य इस लोक में राधा जन्माष्टमी व्रत की यह कथा श्रवण करता है वह सुनी मानी धनी और सर्वगुण संपन्न हो जाता है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक श्री राधा का मंत्र जप अथवा नाम स्मरण करता है वह धर्मार्थी हो तो धर्म प्राप्त करता है, अर्थार्थी हो तो धन पाता है, कामार्थी पूर्ण कामी हो जाता है और मोक्षार्थी को मोक्ष प्राप्त करता है। कृष्ण भक्त वैष्णव सर्वदा अनन्य शरण होकर जब श्री राधा की भक्ति प्राप्त करता है तो सुखी विवेकी और निष्काम हो जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार राधा माता गोलोक में श्री कृष्ण के साथ निवास करती थी। एक बार देवी राधा गोलोक से कहीं बाहर गईं, जब वापस आई तो देखा कि कृष्ण भगवान गोलोक में नहीं हैं। उस समय भगवान श्री कृष्ण अपनी एक सखी बिरजा के साथ गोलोक में घूम रही थी। यह बात जब राधा जी को मालूम हुई तो उन्हें गुस्सा आया और वे सीधे उनके पास पहुंच गईं। वहां पहुंचकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को काफ़ी भला बुरा कहा। राधा जी का यह व्यवहार भगवान श्री कृष्ण के मित्र श्री दामा को बुरा लगा और उन्होंने राधा को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा रानी को इतने गुस्से में देखकर कृष्ण भगवान की सखी बिरजा भी वहां से चली गईं। इस श्राप के बाद राधा ने बदले में श्री दामा को श्राप देते हुए राक्षस कुल में जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा रानी के द्वारा दिए गए श्राप के कारण ही श्री दामा का जन्म शंखचूर्ण नाम दानव के रूप में हुआ था। दानव के रूप में जन्म लेने के बाद भी भगवान विष्णु का अनन्य भक्त बना। वहीं दूसरी ओर राधा रानी ने भी पृथ्वी पर ब्रह्मानु के गर्भपुत्री के रूप में जन्म लिया, लेकिन राधा रानी ब्रह्मानु जी की पत्नी देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं जन्मी थी। दरअसल जिस समय श्री दामा और राधा रानी ने एक दूसरे को श्राप दिया तब भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी से कहा कि आपको पृथ्वी पर देवी कीर्ति और ब्रह्मानु जी की पुत्री के रूप में रहना है, आप धरती पर भी मेरी प्रियतम बनकर ही रहेंगी, परंतु हम दोनों को वहाँ बिछड़ने का दुख सहना होगा। हे राधा रानी, अब आप धरती पर जन्म लेने की तैयारी करें। सांसारिक दृष्टि में देवी कीर्ति गर्भवती हुई और उन्हें प्रसव भी हुआ, लेकिन देवी कीर्ति के गर्भ में योग माया की प्रेरणा से वायु का प्रवेश हुआ और उन्होंने वायु को ही जन्म दिया। जब वह प्रसव पीड़ा से गुजर रही थी उसी समय वहाँ देवी राधा रानी एक प्यारी सी कन्या के रूप में प्रकट हो गईं। जिस दिन राधा रानी प्रकट हुईं वह भाद्रपद शुक्ल पक्ष अष्टमी का दिन था, इसलिए भाद्रपद शुक्ल पक्ष अष्टमी को राधा रानी अष्टमी के रूप में जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की पूजा की जाती है। इस व्रत को करने से हमें सभी सांसारिक सुख आनंद प्राप्त होते हैं। मान्यता के अनुसार इस व्रत को करने से धन की कमी नहीं होती और घर में बरकत बनी रहती है। सनातन धर्म में भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि श्री राधा अष्टमी के नाम से प्रसिद्ध है। शास्त्रों में इस तिथि को राधा का जन्म दिवस मनाया जाता है। राधा जी ब्रह्मानु की यज्ञ भूमि से प्रकट हुई थी। वे तथा प्राण में जिनका कृष्ण वल्लभा कहकर गुणगान किया जाता है वे श्री वृंदावनेश्वरी राधा सदा ही कृष्ण को आनंद प्रदान करने वाली साध्वी कृष्ण प्रिया थी। कृष्ण महानुभाव राधा जी का जन्म दिवस श्री ब्रह्मानुपुरी बरसाना या उनके ननिहाल रावल ग्राम में प्रातःकाल का मानते हैं। कल्प वेद से यह मान्य है पर प्राणों में मध्याह्न का वर्णन ही प्राप्त होता है, इसलिए शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा अष्टमी मनाई जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार कृष्ण जन्माष्टमी के 15 दिन बाद राधा अष्टमी का पर्व मनाया जाता है। राधा अष्टमी को राधा जयंती के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भक्त व्रत रखते हैं
और राधा जी की पूजा अर्चना करते हैं। बोलो श्री राधा रानी जी की जय। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय।